हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। बसवा कल्याण की अगर बात करें, बिदर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, हम पूरे कर्नाटक की, तो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। जनरल इलेक्शंस को लेकर हमारा सिलसिला शुरू हो चुका है, हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिदर डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन JDS के जनाब आकाश खंडाले साहब। सबसे पहले तो मास मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि JDS ने इन्हें बिदर डिस्ट्रिक्ट का स्पोक्स पर्सन बनाया है। JDS वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं बसवा कल्याण के। अब बात करेंगे बाई इलेक्शन को लेकर। सर, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपना टाइम हमें दिया। इसको इंटरव्यू किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि बसवा कल्याण बाई इलेक्शन को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले मेरा पहला सवाल यह होगा कि बसवा कल्याण बाई इलेक्शन में JDS की जो हार हुई, क्या नतज थे, क्या रीजन्स थे उसके? देखिए, सबसे पहले मास मीडिया कमी कहाँ रह गई? सबसे पहले मास मीडिया के माध्यम से आपने हमको बुलाया और हमको अपने अच्छे लफ्ज़ों में हमारी जो अप्रिसिएशन किया, इसके लिए धन्यवाद। और किसी भी कार्यकर्ता के लिए बूथ से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक जाना, ये बहुत ही अच्छा सफ़र था। तो मैं आपके जो वर्ड्स है, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके सवाल की तरफ आता हूँ मैं कि देखिए, हर इलेक्शन में क्या अलग अलग रहता है, बाई इलेक्शन भी एक अलग था। और बाई इलेक्शन में सभी हमारे स्टेट के जो लीडर थे वहाँ यहाँ पर आए थे, आकर उन्होंने कैंपेनिंग की। कैंपेनिंग का करके भी कहाँ ना कहाँ हम संगठित प्रयत्न करने में क्या है कमी पड़ी। और हमारे जो कैंडिडेट थे वो भी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से रिज़ाइन देकर JDS में आए थे। तो हर गांव में जाने का और लोगों को कनेक्ट होने का हमको समय कम मिला। इसके लिए क्या है, रिज़ल्ट अलग रहा, लेकिन बाई इलेक्शन बाद से हम बहुत कुछ सीख कर, हम हर बूथ तक पहुँच कर बूथ लेवल पर कमेटी बनाई है। उसके बाद मेंबरशिप जो है, जेन्युइन जो लोग काम कर सकते हैं वैसे लोगों को मेंबरशिप भी हमने गांव-गांव में जाके बनाई है। तो बाई इलेक्शन से जो हमको ये 1.5-2 साल का टाइम मिला, तो इसमें JDS जो है बहुत ही ग्राउंड लेवल से इम्प्रूव हुई है, ऐसा मुझे लगता है। बात करेंगे JDS की बसवा कल्याण में। ये एक रूमर्स या अफवाह फैल रही है कि JDS के जितने मैक्सिमम वर्कर्स जो थे, कार्यकर्ता जो थे, मल्लिकार्जुन खोबा के घर गए और उनसे मुलाकात की। क्या JDS के कार्यकर्ता खुद चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खोबा को टिकट मिले, या फिर मल्लिकार्जुन खोबा ने JDS के कार्यकर्ताओं को अपने घर बुलाया था? नहीं नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, पार्टी में आना अलग और टिकट मांगना अलग। देखिए, पार्टी संगठन अगर किसी व्यक्ति से मजबूत होता हो तो हर एक का वेलकम करना पार्टी कार्यकर्ता का धर्म है। ये पार्टी कार्यकर्ता जो गए थे, उसमें मैं भी शामिल था बोलने की बात नहीं, वो जो जिस वीडियो की आप जिक्र कर रहे हैं, पार्टी में जब उन्होंने आने की इच्छा जताई तो हम उनको पूछने गए थे। वो एक फ्रेंडली मीटिंग थी, एक नाश्ते चाय पानी की मीटिंग थी, उतनी ही थी। बाकी क्या, हर एक को उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालना है उस पर छोड़े सो है। तो पार्टी संगठन अगर एक व्यक्ति से मजबूत होता है तो उन्होंने आने का वेलकम हम करते हैं। और रही बात, उन्होंने पिछले 2-3 महीने से लगातार क्या है, उनका जो ऑफिशियल पेज है उन पे JDS के जो एक्टिविटीज़ है वो शेयर कर रहे हैं लोगों में भी, क्या है, JDS का हाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो अप्रिशिएशन के नाते, हमारे पार्टी के एक आने के नाते, वो जो किया हुआ एक इवेंट जो क्या बुलावा था। और रही बात टिकट का, टिकट जो है कुमार अन्ना देवगढ़ साहब और सीएम योराम साहब के हाथ में है। तो उन्होंने जिसको भी टिकट दे बसो कल्याण का, जो भी कैंडिडेट हों, दो हम उनके लिए काम करने के रेडी है। हमने कभी किसी कैंडिडेट के लिए कहीं प्रस्ताव नहीं दिया, किसी कैंडिडेट के लिए कार्यकर्ता ने एप्लीकेशन नहीं दिया। कोई भी लीडर हो, अपने अपने के तरीके से काम करता है, अपने अपने तरीके से उन्होंने मेहनत करता रहता है। तो वो मेहनत तो करता में है। जनाब यसरफ अली खादरी को टिकट मिला था, उस वक्त आनंद पाटिल भी टिकट मांग रहे थे और बहुत सारे लोग मांग रहे थे। इस बार जनरल इलेक्शंस है, आपको नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खोबा के बजाय जो लोग पहले से कांग्रेस JDS में हैं, जिन्होंने JDS को कभी छोड़ा नहीं, जो BJP में नहीं गए, आनंद पाटिल हैं और बहुत सारे लोग हैं इस तरह के, उन्हें मौका मिलना चाहिए? या फिर एक ऐसा शख्स जो पहले MLA था, फिर दोबारा उसने BJP ज्वाइन की, फिर BJP के बाद वो हारने के बाद फिर अब JDS ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि वो जो लोकल कार्यकर्ता जो जिनके दिल में ख्वाहिश है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के एज MLA कैंडिडेट, उनके आशाओं पर पानी फिर जाएगा? नहीं, देखिए ये नेचुरल बात है कि कोई भी जब कार्यकर्ता काम करता रहता है पार्टी में, जो समय देता है, पैसा लगाता है, लोगों को जोड़ता है, तो वाकई उनके मेहनत के भी फल मिलना चाहिए। अब कार्यकर्ताओं का काम रहता है काम करना। अब ये हाईकमांड पे डिपेंड है कि उन्होंने किसको टिकट देते हैं या किसको उन्होंने अप्रोच करते हैं। देखो, हम एक कार्यकर्ता के नाते इतना ही कह सकते हैं कि हम सबका उद्देश्य एक ही रहना कि 2023 में बसो कल्याण में JDS का MLA रहना। तो इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं को जो करना है वो हम
हमारे तरीके से करेंगे। बाकी हाईकमांड अपनी खुद सर्वे टीम भेजती है, हाईकमांड को जनाब अशरफ अली खादरी साहब का रिपोर्ट अच्छा है तो उनको क्यों नहीं देते, या दूसरे आनंद पटेल साहब का अच्छा है उनको क्यों नहीं देते, या उनको ऐसा लगा कि इन दोनों को साथ में रखें और एक कोई कैंडिडेट है जो कि वह बीजेपी को हरा सकता है, ऐसा अगर लगा तो उनको क्यों देते, हम वेलकम कर दे। हमारा संघर्ष चाहते हैं कांग्रेस को जिताकर बीजेपी को हराना। देखिए कांग्रेस ऑलरेडी हरीसू पार्टी है, कांग्रेस हमारे क्या है लिस्ट में नहीं है। आज प्रेजेंट जो सत्ता में है बसों के लिए में रहें दो, स्टेट में रहें दो, बीजेपी है तो बीजेपी के हराने मतलब सत्ता में जो उनको बैठकर हरा कर जानते हैं कि फैक्चुअल एक फैक्चुअल बसों कल्याण में बात यह होगी कि अगर शरणु सलगर को बीजेपी का टिकट दोबारा मिल जाता है और मान लीजिए कांग्रेस से विजय सिंह को टिकट मिल जाता है तो ये दो होंगे। उसके बाद अगर लिंगायत धर्म से किसी को टिकट मिलता है जस्ट इन केस अदर देन माइनॉरिटी मराठा लिंगायत को अगर किसी को टिकट मिलता है जेडीएस का बसवा कल्याण से, क्या आपको नहीं लगता कि वो सारा का वोट बैंक कांग्रेस का खा जाएगा? मैं आपको लिख के देता हूँ कि बसवा कल्याण में कांग्रेस जीत ही नहीं सकती। बसवा कल्याण में जनता दल सेकुलर ही जीतने वाली है और 2023 में रिजल्ट देख सकते हैं आप, क्योंकि कांग्रेस के पास वो जो वोट बैंक चाहिए, जो मार्जिन चाहिए, जो जीत सकते हैं वो मार्जिन उनके पास अभी तक नहीं जुटा सकते। और दो साल में जो वो उनके कैंडिडेट काम कर रहे हैं इनका ग्राउंड लेवल में कुछ भी काम नहीं है, इनका जो काम है सिर्फ फेसबुक पे है, इनका जो काम है सिर्फ बसों कल्याण के दो चार गली में सीमित है और इनका जो काम है सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है। तो ये लोग बीजेपी को हरा नहीं सकते और ये लोग क्या है एमएलए के क्या है इसमें नहीं सकते। देखिए एमएलए जो इलेक्शन है 260 बूथ के इलेक्शन है, तो हर बूथ में हर गांव में हर कम्युनिटी में हर लोगों में हर समाज में एक भरोसा पैदा करना कि बाबा हम आपके लिए खिदमत कर सकते हैं, ये भरोसा कहीं ना कहीं सिर्फ जनता दल सेकुलर कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो लड़ाई होगी जेडीएस की और बीजेपी की लड़ाई होगी, कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। भले ही आज लोगों को ये क्या है मजाक लिए क्यों लेते हैं या लोगों को क्या हंसी मजाक क्यों नहीं आते हो या लोगों को क्या है सीरियस नहीं लेते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आने वाले समय में जनता दल सेकुलर ही पार्टी है जो इनके कंपटीशन में सबसे आगे रहेंगे। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि क्या आपको नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खोपा अगर जेडीएस ना छोड़ते तो अब तक एमएलए होते, मिनिस्टर होते, लास्ट सेशन में कुमार स्वामी के सेशन में लास्ट मिनिस्टर होते, क्या गलती की मल्लिकार्जुन खोपा ने जेडीएस छोड़कर? देखो ये गलती की या नहीं मैं एग्जैक्ट आंसर चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए कि कौन क्या करता है कैसा करता है उनके ऊपर छोड़े सो है, हमारा संगठन के नाते इतना ही सवाल है कि हमारे पार्टी में हमारे पार्टी का एमएलए कैसा बनेगा इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए मैं कर सकता हूँ। अब एक व्यक्ति को क्या कर सकता है, ऐसे तो मेरी भी इच्छा है कि जेडीएस की पूरी सीट आना, 130 सीट होना हमारा, अगर अन्ना को और 5 साल अगर हमको पीरियड मिलता था तो कर्नाटक में क्या है जो जातिवादी जो माहौल बना है, हिजाब का इशू हों दो, जो झटका कट का इशू हों दो, जो को भी कम्युनल इशूज है ये इशू ना होते थे। तो ये इफ और बट के जो सवाल है इसमें हम कोई भी नहीं कर सकते। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मुझे इतना ही लगता है कि हमारी जो पार्टी है हमारे पार्टी की सरकार बनना, हमारे पार्टी के यहाँ एमएलए बनना और हमारी पार्टी पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रांग होना, तो इसके लिए क्या है हम सोच सकते हैं। रही बात व्यक्ति की तो व्यक्ति को खुद आकलन करना चाहिए कि किस समय क्या करना हा? और रही बात मल्लिकार्जुन खोपा साहब की, हमारे पार्टी के सिंबल से 2 बार एमएलए रह चुके हैं और हमारे जो हाईकमांड है उनसे भी बहुत बार उन्होंने क्या है जाके मिले हैं, तो उनको क्या करना उनको भली भांति पता है, क्योंकि क्या है उनको एक एक्सपीरियंस है, एक लंबा तजुर्बा है हमारे पार्टी में काम करने से। तो बहुत क्या है मुझे ऐसा लगता है कि वो एक शख्सियत अलग शख्सियत है। आप उनके बारे में उनके बारे में भुला अगर शाम को घर आ जाए तो भुला नहीं रहता। देखिए हम किसी को भी पार्टी में कोई भी रहने दो, किसी को भी हम पार्टी में मत आओ नहीं बोल सकते। पार्टी है, अगर पार्टी को ऐसा लगा कि मल्लिकार्जुन खोपा साहब से पार्टी स्ट्रांग होती है तो उनका भी वेलकम कर सकती है। पार्टी को कल ऐसा लगा कि शरणु सलगर से भी अगर पार्टी स्ट्रांग हो सकती है तो उनका भी वेलकम कर सकते हैं। तो हम जो है पार्टी के हित के नाते इतना ही कह सकते हैं, पार्टी में जिसका भी जो भी आ सकता है उनका वेलकम हो सकते हैं। नहीं इनको दोनों को छोड़ के बाद खादरी साहब को भी और एक बार 2023 में टिकट देकर उनको लगा कि पार्टी स्ट्रांग होती है जीत सकती है तो उनका भी हम वेलकम कर सकते हैं। आप आपसे मैं मार्किंग चाहूँगा, शरणु सलगर को 2 साल के उनके रिपोर्ट कार्ड में मार्क कीजिए, क्या काम किस तरह का काम हुआ किस तरह के। देखिए शरणु सलगर का काम, शरणु सलगर का जो काम है वो मोदी जैसा है, काम कम प्रचार ज़्यादा है उनका। मैं आज मंठा और क्या है कोहिनूर साइड में जा रहा था, वहाँ जो रोड की हालत है, रोड जो बनाई जो कंडीशन है, वो रोड जो है हाथ से लोग क्या है जैसे बिस्किट और चॉकलेट नहीं निकालते वैसे निकल रहे थे। तो इससे समझे इन जो जिनका जो विकास है वो पूरी तरह डुप्लीकेट विकास है और डुप्लीकेट विकास से क्या है आदमी ज़्यादा देर तक लोगों के दिल में नहीं रह सकता। अब शरणु सलगर जी का जो बसों कल्याण आने से बाद से अब तक का जो वर्किंग कल्चर है वो वर्किंग कल्चर जो है हम सब लोगों ने देखा है,
उनके पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ता बोल रहे हैं, पार्टी के अपोजिशन भी के लोग बोल रहे हैं, और हर एक आदमी वो बोल रहा है कि इनका वर्चुअल कल्चर जो है बसव कल्याण की जो शांतिप्रिय जन समय में भारतीय जनता पार्टी को हराना और फिर एक बार जनता दल सेक्युलर का एमएलए बनाना, ये एक ही उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। अब बीदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक एक सवाल पूछूंगा, शॉर्ट में आंसर चाहिए, उसका बात करेंगे हमनाबाद की। क्या लग रहा है आपको? तो पूछने की जरूरत नहीं, हमनाबाद में क्या हो रहा है? देखिए, लोकल कार्यकर्ता अपोज हो गए हैं जेडीएस के, वो कह रहे हैं कि भाई एक पैराशूट से आप एक आदमी को उतार देंगे, हम यहाँ कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमें टिकट की उम्मीद थी, सीएम फैज साहब के बच्चे सीएम फैज साहब आएंगे, उनके अगर वाले सदर रहेंगे पिताजी, तो कैसे इस तरह से पैराशूट से उतार दिया जाएगा, लोकल कार्यकर्ताओं को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा? शॉर्ट में देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जी। तो हमको इतना ही पता है कि बस बीदर डिस्ट्रिक्ट में चार ऐसी सीट है जहां पर जनता दल सेकुलर बहुत स्ट्रांगली क्या है कंटेस्ट करके जीतने के लिए टारगेट रखी है, बीदर, बीदर साउथ, हमनाबाद, बसव कल्याण, और भालकी और औराद में भी क्या है हम लोग पूरे जोर लगा रहे हैं। तो ये चार कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ही फोकस है, आने वाले समय में इस चार कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। बीदर की बात करेंगे, बीदर साउथ की बंडप्पा खासिमपुर कह रहे हैं कि इस बार उनकी सीट बहुत खतरे में है, क्योंकि अशोक खेणी साहब को जेडी कांग्रेस का मिलने वाला है, बीजेपी से कोई आएगा, आप जेडीएस से रहेंगे, त्रिकोणी मुकाबला होगा जिसमें जेडीएस और कांग्रेस वोट बांट लेंगे और कोई बीजेपी का आदमी जीत जाएगा। क्या लगता है आपको, बंडप्पा खासिमपुर देखिए अशोक खेणी उनके खतरे में है? देखो, अशोक खेणी साहब अभी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, दो साल से दो टर्म उन्होंने बंडप्पा साहब के खिलाफ ही उन्होंने लड़े सो है जी। सूर्य चंद्र उगाना आना जितना सत्य है उतना सत्य बंडप्पा खासिमपुर साहब एमएलए बनना है, तो उनकी सीट को क्या भी नहीं होगा, कोई खतरा नहीं। मैं क्या बोलूँ, जितने मार्जिन से जीते उनसे उनकी मार्जिन इस बार डबल होने वाली है। तो ये जो हवा हवा की बातें हैं, हवा हवा की बातें हवा में जाने वाली है, बंडप्पा खासिमपुर साहब का जो ग्राउंड में नर्क है, उनका इतना बड़ा शख्सियत होने के नाते, दो बार मिनिस्टर होने के नाते, एक सामान्य आदमी आए तो उनका जो बिहेवियर है, इससे हमें पता चलता है कि बंडप्पा खासिमपुर साहब जो है आजाद शत्रु है। शत्रु भी ये मानते हैं कि इनको हरा नहीं सकते, सिर्फ नाम के लिए वो भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो मुझे ये पता है कि हमारे जो नेता है बंडप्पा खासिमपुर साहब इस बार और एक बार एमएलए बनने वाले हैं, और एक बार जनता दल सेकुलर के गवर्नमेंट में उनको बड़ा अहदा मिलने वाला है। बीदर नॉर्थ की बात करेंगे, एमएलए रहीम खान साहब वहाँ पे एमएलए हैं, इस बार उनको बहुत सारे इश्यूज उठ रहे हैं उनको लेकर बीदर में, जेडीएस का क्या काम है वहाँ पर, क्योंकि शेख अजहर भी वहाँ पे टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद सरफराज आजम साहब के भाई हैं, हाशमी साहब के भाई जुल्फिकार हाशमी साहब के, सरफराज हाशमी, उन्होंने भी टिकट के लिए मांग उठाई है, क्या किस तरह की सिचुएशन? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एमएलए की ख्वाहिश रखना, एमएलए के लिए काम करना, ये हर एक इंसान का राइट है, और पार्टी में डेमोक्रेटिक कल्चर दिखाता है कि कौन कौन मतलब हम पार्टी में टिकट मांगना ये डेमोक्रेटिक कल्चर है, तो हमारी पार्टी डेमोक्रेसी मानने वाली है। और मुझे जहाँ तक बात मुझे मालूम है कि ये सब लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में जो नियोजित अभ्यर्थी बोलकर ट्रेनिंग को बुलाए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश पटेल सोलपुर साहब को बुलाए थे, उन्होंने भी क्या है पिछले दो साल से काम कर रहे हैं, तो उनका और इन सब लोगों का कोऑर्डिनेशन है। अब वो बिदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सब हाईकमांड तय करने वाली है, तो उसके हिसाब से आने वाले समय में बिदर में रहीम खान साहब को क्या है लोग देख चुके हैं, और उनका भी क्या है वर्किंग कल्चर देख चुके हैं, तो उनको भी क्या है हटाकर यहाँ पर वहाँ पर भी जेडीएस जनता दल सेकुलर जो कि सही मायने में सेकुलर पार्टी है, ऐसा उनको चांस देने का मन जो है जनता ने बना लिया है। दो सवाल आखिरी, उसका एक ही जवाब चाहिए दो सवालों का, कर्नाटक में जेडीएस कितने सीट ला रही है इस बार? हम 123 सीट कंप्लीट लेंगे, पूरा मेजोरिटी हमारे होंगे इस बार कर्नाटक में। बीदर डिस्ट्रिक्ट में 6 सीट हैं टोटल, 5 सीट हैं, छह सीट हैं। आपने कहा कि चार पे ज्यादा फोकस है और दो भी फोकस है, फोकस है। बात करेंगे चार के, चार में से कितने सीट जीत रहे हैं जेडीएस, एग्जैक्ट बताइए। हम चार में से चार सीट पूरा जीत रहे हैं, पूरे जीत रहे हैं। हाँ, दो सीट भी जीतने के करीब है, लेकिन कैंडिडेट जब डिक्लेयर होगा आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में इसमें कितना परिवर्तन दिखाएंगे। अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि बसव कल्याण की लोकल बॉडी डिसॉल्व हो गई, इस तरह की न्यूज आई, आपके जो सिटी प्रेसिडेंट थे या फिर प्रेसिडेंट थे, तालुका प्रेसिडेंट थे अरशद महागवी साहब, उन्होंने और उस वीडियो में मैंने देखा कि वो एक अकेले बैठे हुए हैं वीडियो में, ना वर्किंग प्रेसिडेंट साथ मौजूद है, सिटी प्रेसिडेंट साथ मौजूद है, ना माइनॉरिटी प्रेसिडेंट साथ मौजूद है, ना यूथ प्रेसिडेंट साथ मौजूद है, ना यूथ ब्रिगेड प्रेसिडेंट साथ मौजूद है। क्या चल रहा है? एक शख्स जो प्रेसिडेंट है तालुका प्रेसिडेंट, वो अकेला बैठकर अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रीवियस कैंडिडेट भी उसके साथ दिखाई नहीं दे रहा, क्या जेडीएस में चल क्या रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बॉडी डिजॉल्व वगैरह नहीं की है, उसका ऐसा मतलब था, हर पार्टी में आंतरिक चुनाव नहीं रहता है, इंटरनल इलेक्शन रहता है,
वो इंटरनल इलेक्शन के हिसाब से पहले स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसके बाद तालुका प्रेसिडेंट चुनाव होता है। तो उस दिन क्या किया था, सिर्फ तालुका प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था। तो तालुका प्रेसिडेंट का चुनाव होने के नाते सिर्फ अब तालुका प्रेसिडेंट बचे थे, बाकी के जो बॉडी है लोकल लेवल पर क्या है, लीडर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और इनका कोऑर्डिनेशन से बनाई जाती है। तो वो उसके लिए क्या, उन्होंने अकेले बैठे थे और आने के बाद क्या है, बाकी जो बॉडी है वो कर दो बोल के उन्होंने अनाउंस करे थे। देखिए मुझे इतना ही मानता है, कोई भी कार्यकर्ता हो, पद जो है इम्पोर्टेंट नहीं रहता, पोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं रहता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारी जो पोस्ट है एक व्यक्ति के लिए पहचानी जाती है और बहुत सारे पोस्ट से कोई व्यक्ति पहचान जाता है। तो हमारे जनता दल सेकुलर में कार्यकर्ता ऐसे हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके पहचान जो है वो पोस्ट से भी बड़ी है। तो पोस्ट लेके ही काम करना ये कोई क्या है, बड़ी बात नहीं। और मैं हमेशा यही कर रहा हूँ, जब तक बसों कल्याण में जनता पोस्ट ना देकर, अप्रिशिएट ना कर ही जनाब यशरफ अली खादरी के टर्म में जेडीएस में इतने इख्तलाफात आए। जनाब शब्बीर साहब का इंटरव्यू मैंने लिया था उनके घर जाकर, उन्होंने जिस तरह के अल्फाज यूज़ किए जेडीएस पार्टी और जनाब यशरफ अली साहब के लिए, आनंद पाटिल साहब का मैंने उनके घर जाकर इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी कहा कि पूरी तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा है मुझे। शब्बीर साहब जो 40 साल से वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी में हूँ, 18 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ, खोबा साहब उनके टर्म में एमएलए बने, उनका कहना है कि इस तरह के सीनियर आदमियों को अगर आप नेगलेक्ट, वो खुद मुझसे कह रहे हैं कि मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा है। देखिए तो पोस्ट का मिलना अप्रिशिएबल है या नहीं, आप कह रहे हैं कि पोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है, इन लोगों इन फिर इनको क्या हो गया। देखिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, कोई घर है तो घर में भी छोटी मोटी जो चीज़ें होती रहती है, लेकिन लास्ट में घर में जो बड़े लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी रहती है सबको बुलाकर समझाकर सबको साथ लेके जाना। और तो कौन जिम्मेदार थे? नहीं नहीं जिम्मेदार है, तो आने वाले समय में भी जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार जो लोग हैं, बंडेपा खाशमपुर साहब है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कुमार स्वामी जी है, सब लोग जो है सबको साथ में कॉन्फिडेंस में लेके काम करने वाले हैं। अल्टरनेट एक ही है, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे पार्टी का बसो कल्याण में एमएलए नहीं बनता, जब तक कुमार अन्ना साहब की गवर्नमेंट नहीं बनती या वो मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से नहीं बनते, तब तक क्या है ये जो स्ट्रगल है चलने वाला है। एक बार हमारी सरकार मिलने के बाद जो जनता के लिए काम करने के लिए जो हर कार्यकर्ता हमारा काम कर रहा है, क्योंकि हमारा कोई कार्यकर्ता इंडिविजुअल कुछ पाने के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि दो टर्म में हमने देखा है, दो टर्म सरकार बनी, दो टर्म सरकार बनने के कोई कार्यकर्ता है कोई इंडिविजुअल क्या है बेनिफिट की बात नहीं कर रहा। जब है किसानों का कर्ज माफ़ी का योजना हो, महिलाओं का जो समस्या है ये हो, या बाकी कोई जो मुद्दे हैं उसके लिए ही काम करते नजर आया है। तो आने वाले समय में सबको साथ बिठाकर जो है हाईकमांड और जो जिनको जिम्मेदारी बसों कल्याण की देने वाली है वो सब साथ में रखे काम करेंगे, ऐसे में अपेक्षा करता हूँ। थे जनाब आकाश खंडाले साहब, स्पोक्स पर्सन जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट के। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, आवाम की आवाज़।